हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। पतझड़ 1988 हमारी ट्रेनिंग। मोटेराम की पहली परफॉर्मेंस हमने 30 जुलाई को प्यारेलाल भवन के गांधी मेमोरियल हॉल में दी। दूसरी परफॉर्मेंस अगले दिन प्रेमचंद की सालगिरह पर पेश की गई। नाटक जबरदस्त हिट रहा। इस समारोह के दौरान प्रेमचंद पर आयोजित किया गया सेमिनार मेरे लिए एक तालीम थी। मैंने उनके बहुत ज्यादा उपन्यास तो नहीं पढ़े थे, लेकिन मोटेराम की तैयारी के तौर पर मैंने मानसरोवर के सारे खंड पढ़ डाले थे और सेमिनार के जरिए उनके अन्य पहलू, एक महान प्रगतिशील लेखक, हंस के संस्थापक, मेरे सामने उजागर हुए। ये समारोह पहला अवसर था जब जन्म, जनवादी लेखक संघ, परचम और जनसंस्कृति, ये चारों वामपंथी सांस्कृतिक संगठन एक साथ काम कर रहे थे। हमने इस समारोह का एक ब्रोशर निकाला था और उसके लिए जो विज्ञापन जुटाए गए थे, जो लगभग सारे सफदर नहीं जुटाए थे, उन्हीं से नाटक और शेष समारोह का मुख्य खर्चा चलाया गया था। अगस्त में हम औरत और राजा का बाजा के शोज करते रहे। सितंबर में हमने आईफैक्स ऑडिटोरियम में मोटेराम को फिर से परफॉर्म किया। जब मैं बच्चा था तब मैंने आईफैक्स में कुछ नाटक देखे थे और अब यह पहला मौका था जब मैं वहां परफॉर्म कर रहा था। यह छोटा सा मगर खूबसूरत ऑडिटोरियम हुआ करता था। दिल्ली में यह बेहतरीन अकूस्टिक्स के लिए मशहूर था। यहां हमने 3 परफॉर्मेंस किए जिनमें से आखिरी दोपहर को किया गया था। इसके लिए जनवादी महिला समिति विभिन्न बस्तियों से अपने सदस्यों को नाटक दिखाने के लिए लाई थी। ये बहुत जीवंत, लगातार सक्रिय, अभिव्यक्ति परक ऑडियंस थी और उन्होंने नाटक का खूब लुत्फ लिया। खासतौर से चमेली जान वाले दृश्य पर तो देर तक तालियां बजती रहीं। इससे अगला गीत भी दबकर रह गया। मोनिका दी की आंखों में चमक देखते ही बनती थी। वो बोली, ये औरतें बिल्कुल हमारे ग्रामीण दर्शकों की तरह हैं, एकदम स्पॉन्टेनियस। उस जमाने में एनएसडी रेपेट्री में एक एक्टर हुआ करते थे, युवराज शर्मा। वे माइम में प्रशिक्षित थे। सफदर ने उनसे आग्रह किया कि वे हमें भी अपनी कला सिखाएं। युवराज की यह कार्यशाला 8-10 दिन की थी और इसके लिए सफदर ने फिरोशा रोड पर सोवियत कल्चरल सेंटर में एक एयर कंडीशन कमरे का इंतजाम कर लिया था। इस कार्यशाला में हम दर्जन भर एक्टर्स ने हिस्सा लिया था। कार्यशाला के दौरान एक दिन युवराज को पहुंचने में देर हो गई तो सफदर ने राकेश से कुछ एक्सरसाइजेस कराने को कहा। जब राकेश हमें एक्सरसाइजेस कराने लगा तो कुछ सीनियर्स बेमतलब की हंसी ठिठोली करते रहे। राकेश को याद है कि इस बात पर सफदर गुस्सा हो गया था और उसने इस बात का इजहार भी किया था। क्या नए लोगों की हौसला अफजाई का यही तरीका है? सोमन को भी कुछ ऐसा ही याद है। जब उसने सफदर से कहा कि यह एक बढ़िया कार्यशाला है, हमें और ऐसी वर्कशॉप्स करनी चाहिए, तो सफदर बोला, क्यों? इन मस्खरों के लिए जो ये जानते भी नहीं कि उन्हें क्या मिल रहा है। लगभग उसी समय सितंबर में विश्व प्रसिद्ध माइन कलाकार निरंजन गोस्वामी दिल्ली आए थे। सफदर ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वे हमारे साथ काम करें। सफदर और निरंजन अच्छे दोस्त थे। शायद उनकी दोस्ती तब पनपी जब सफदर WBIB में काम किया करता था। गोस्वामी जन्म के साथ साझेदारी के सुझाव से खुश थे। इस सलाह मशवरे के कुछ समय बाद सफदर ने खत लिखा जिसमें उसने ये प्रस्ताव रखा था, हम एक ऐसा प्रोडक्शन सोच रहे हैं जिसमें पेंटोमाइम के पहलुओं को थिएटर में समाहित किया जाए। कहने का मतलब यह है कि हम एक फुल लेंथ नाटक तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें पेंटोमाइम को एक प्रमुख कलात्मक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हम माइम शो की बात नहीं कर रहे, मगर हम इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरह के प्रोडक्शन के लिए आपकी देखरेख में हमें बहुत अनुशासन और लगन के साथ माइम का प्रशिक्षण लेना होगा। इससे अंततः जो प्रोडक्शन सामने आएगा
उसमें आप माइम का निर्देशन कर सकते हैं और हम में से एक साथी थिएटर के हिस्से का निर्देशन कर सकता है। इस प्रकार ये एक साझा कोशिश रहेगी। उस साल की एक फाइल में लवलीन मिश्रा की तरफ से सफदर के नाम लिखा एक खत भी मिलता है, जिसमें वो जानना चाहती हैं कि बंसी कॉल के निर्देशन में जो नाटक तय किया गया था उसके बारे में बात कहां तक आगे बढ़ी है। ये गोरकी का नाटक एनिमीज के सफदर द्वारा किया गया एडेप्टेशन दुश्मन का जिक्र था। जन्म की फाइलों में सफदर के लिखे कई ड्राफ्ट खत भी मौजूद हैं। इनमें से एक ड्राफ्ट दूरदर्शन के एक आला अफसर को संबोधित करते हुए लिखा गया है और उसमें पूछा गया है कि क्या वे नाटकों की फिल्मिंग की स्कीम के तहत मोटेराम पर गौर कर सकते हैं या नहीं। एक और ड्राफ्ट साहित्य कला परिषद के नाम है, जहां से हमें मोटेराम के प्रोडक्शन के लिए 5,000 रुपए का अनुदान मिला था। इस पत्र में परिषद से आग्रह किया गया है कि मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, नन्नगरी, दक्षिणपुरी और शकूर बस्ती में इस नाटक की सार्वजनिक परफॉर्मेंसेस के लिए आर्थिक मदद दें। इसके लिए सफदर ने प्रति शो 6,555 रुपए की लागत का हिसाब लगाया था। तीसरा ड्राफ्ट संभवतः संगीत नाटक एकेडमी को संबोधित है। इसमें पेंटोमाइम पर युवराज शर्मा, देह मुद्राओं पर बंसी कॉल, एक्टिंग पर एम के रैना और थिएटर के इतिहास पर सिद्धांतों पर देवेंद्र राज अंकुर के साथ कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए अनुदान की अपील की गई है। खत में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में हबीब तनवीर, अनुराधा कपूर, गुरु जन्मेजय और पंडित नरेंद्र शर्मा के साथ और भी कार्यशालाओं की योजना बन रही है। जब मैंने रैना का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि सफदर ने उनके निर्देशन में मदर के प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इस बात का एक जिक्र सफदर के चौथे हस्तलिखित खत के मसौदे में मिलता है। इस खत में भी पता नहीं चलता कि यह किसके नाम लिखा जा रहा है, मगर इसमें हर साल दो प्रोसिनियम नाटक तैयार करने और ऑडिटोरियम और बस्तियों में 50-50 शो करने की एक महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि समारोहों जैसी गतिविधियों और प्रोसिनियम नाटकों के साथ साथ नुक्कड़ नाटक भी जारी रहेंगे। सफदर लिखता है, इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की तैयारी में हम अपने अभिनेताओं का कलात्मक स्तर ऊपर उठाने के लिए कई वर्कशॉप्स आयोजित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी खत भेजा नहीं गया, क्योंकि अंतिम टाइपशुदा खतों की कोई कॉपी रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती और ना ही उन लोगों की तरफ से कोई जवाब इन कागजों में मिला है जिनके नाम ये पत्र लिखे गए थे। लेकिन इन अनभेजे खतों को देखकर यह पता चलता है कि सफदर चाहता था कि हम सबको, पुराने और नए सभी एक्टर्स को, रचनात्मक तौर पर चुनौती दी जाए, हम नए हुनर सीखें, रंगमंच के धरातल पर अपनी वाजिब जगह के लिए कदम उठाएं। इसके अलावा भी उसके पास न जाने कितने ख्याल, योजनाएं, ख्वाब थे जो लंबे समय से उसके दिलो दिमाग में घूम रहे थे, मगर जन्म की एक मजबूत सांगठनिक संरचना खड़ी किए बिना यह सब कुछ अंजाम नहीं दिया जा सकता था। अक्टूबर 1988, जन्म का पुनर्गठन। एक दिन सफदर ने हम लोगों से कहा, आखिरकार अब हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, पिछले साल भर के काम की एक रिपोर्ट पेश करेंगे, हम खातों का लेखा जोखा पेश करेंगे और एक नई एग्जीक्यूटिव कमेटी अपने संयोजक और खजांची का चुनाव करेगी। नई ईसी? मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई पुरानी ईसी है? सफदर हंसा, अरे हाँ है ना, लेकिन टॉप सीक्रेट, पुरखों का गहना है, सहेज के रखा है। हम सब हंस पड़े। बाद में जब जोगी, ब्रिजेंद्र और मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे तो मैंने पूछा, यार तुम्हारे हिसाब से ईसी में कौन कौन होगा और कन्वीनर कौन बनेगा? मुझे याद नहीं पड़ता कि हम तीनों ने इन सवालों के क्या जवाब दिए, मगर कन्वीनर कौन बनेगा इसको लेकर हम तीनों में रजामंदी नहीं थी। जोगी और ब्रिजेंद्र को पक्का यकीन था कि सफदर ही कन्वीनर होगा, और कौन हो सकता है? भाई पता नहीं, पर तुम लोगों ने देखा नहीं कि सफदर दूसरों को कितना बढ़ावा देता है? वो ईसी में तो होगा, वो सारा काम भी संभालेगा।
मगर संयोजक किसी सीनियर को ही बनवाएगा, देख लेना। वे दोनों मेरी दलील से मुतमईन नहीं थे, मगर इस बात से भी उन्हें इनकार नहीं था कि अगर जीबी में ऐसा सुझाव आता है तो हमें एक छोटी सी बगावत करनी पड़ेगी। इस तरह 2 अक्टूबर 1988 को, यानी जन्म की पहली जनरल बॉडी मीटिंग के दिन, मैं थोड़े रोमांच और बहुत सारी उत्सुकता के साथ समय पर वीपी हाउस पहुंच गया। इस मीटिंग के मिनट्स को देखकर पता चलता है कि इसमें कुल 29 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 6 महिलाएं थीं। मौजूद लोगों में 11 पुराने यानी 2 साल या इससे ज्यादा जन्म में रह चुके और 18 नए लोग थे। नए लोगों में ज्यादातर पिछले 6 महीने में संगठन से जुड़े थे। जोगी, ब्रिजेंद्र और मैंने आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारे किए और बगावत की अपनी योजना को एक बार फिर जांच लिया। हमारा इरादा साफ था, अगर मतदान का मौका आया तो सफ्तर को ही संयोजक बनवाकर रहेंगे और कोई सवाल ही नहीं उठता। खैर, कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले मनीष ने हमें बताया कि मौजूदा और फिलहाल अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही इसी में वो खुद संयोजक, त्यागी कोषाध्यक्ष और ललित थे। मनीष ने जन्म की कुछ ताजा गतिविधियों की मौखिक रिपोर्ट पेश की और कहा कि हमें अब एक ज्यादा बड़ी और ज्यादा संगठित इसी की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा सदस्य हैं और हमारी गतिविधियां बढ़ गई हैं। उसने ये भी कहा कि जन्म हाल ही में उठे कुछ मुद्दों पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है, जो दुख की बात है। उसने बीते साल राजस्थान में 18 वर्षीय लड़की रूप कंवर को सती के नाम पर मार डालने की घटना का हवाला दिया और कहा कि हम इस पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे पाए थे। सफदर ने कहा कि हम लंबे समय से अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अब हमें इस बात की तसल्ली है कि हमने इस कमी को दूर करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ललित ने कहा कि भविष्य में हम अलग अलग तरह के नाटक तैयार करेंगे, मसलन भगत सिंह की जिंदगी पर कोई नाटक। हमारे शो में बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, इसलिए बच्चों के लिए भी हमें नाटक करने चाहिए। मनीष ने कहा कि अब हमारे पास बहुत सारे सदस्य हैं, इसलिए हम 2 टीमें बना सकते हैं, जो कि हमेशा हमारी कोशिश रही है। ये रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित हुई। हालांकि मिनट्स में यह भी लिखा गया है कि मैंने ये कहा था कि हमें मीटिंग से पहले लिखित रिपोर्ट मिलनी चाहिए थी। रिपोर्ट पारित होने के बाद सफदर ने कहा, जल्द से जल्द हम रिपोर्ट का लिखित रूप भी सभी सदस्यों के बीच में बांटेंगे। इसके बाद कोषाध्यक्ष की हैसियत से त्यागी ने हमें बताया कि जन्म के पास कुल 10,819 रुपये 15 पैसे हैं, सारा नकद। हमारे रजिस्ट्रेशन के कागजों में किसी क्लर्क ने जन नाट्य मंच की जगह जन नाटक मंच लिख दिया था, इसलिए हम अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाए थे। त्यागी ने कहा कि नई इसी को इस गड़बड़ को फौरन दूर करना चाहिए। मैं अचंभे में था। 15 साल से संगठन बिना बैंक अकाउंट के चल रहा था। इसके बाद मनीष ने 7 सदस्यीय नई ईसी पैनल का प्रस्ताव रखा। सफ्तर संयोजक, विजय कालिया कोषाध्यक्ष, ललित, अरुण, ब्रिजेंद्र, शिखा और मैं। जोगी और ब्रिजेंद्र मुस्कुराए। देखा, हमने पहले ही बताया था। मुझे ईसी में शामिल किए जाने की खुशी तो थी, मगर दिल के कोने में इस बात का मलाल भी था कि हमारी छोटी सी बगावत को सामने आने का मौका नहीं मिल पाया। फिर नवनिर्वाचित संयोजक के तौर पर सफदर ने मीटिंग को संबोधित किया। उसने कहा, हमारे सामने एक मुद्दा यह है कि दिल्ली के थिएटर की दुनिया में कैसे हस्तक्षेप करें। दिल्ली के मुख्यधारा के प्रोसिनियम थिएटर का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यह बात भारत के अन्य भागों के बारे में भी सही है। इसमें गिरावट के लिए टेलीविजन को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। उदाहरण के लिए, बंगाल में थिएटर के गिरावट का एक लंबा इतिहास है और उसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं ढूंढी जा सकती। इस गिरावट का मुख्य कारण राजनीतिक है। संगीत नाटक अकादमी और फोर्ट फाउंडेशन ने एथनिक, मतलब तथाकथित थिएटर ऑफ रूट्स पर अनावश्यक जोर देकर थिएटर की दुनिया में रिवाइवलिज्म को बहुत जमकर बढ़ावा दिया है। यह थिएटर की स्वाभाविक अंदरूनी प्रक्रिया नहीं है। यह मुहिम निश्चित उद्देश्यों और बेहिसाब पैसों से लैस
इन दोनों एजेंसियों के साधनों और प्रोत्साहन से चल रही है। इस मुहिम में केवल फॉर्म यानी स्वरूप पर जोर दिया जा रहा है, विषय वस्तु पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे जैसे सामाजिक रूप से सचेत थिएटर समूह को इस परिघटना का अध्ययन करना चाहिए और इसमें अपनी भूमिका को तय करना चाहिए। मूल प्रश्न यह है, परंपरा, देशी रूपों और आधुनिक विचारों के बीच संबंध कैसे हों। दूसरी तरफ प्रगतिशील संगठन है, वे अपने नाटकों में केवल विषय वस्तु पर जोर देते हैं और स्टेज क्राफ्ट और तकनीक पर लगभग कोई ध्यान नहीं देते। उनके नाटक भयानक उबाऊ होते हैं। जन्म जैसे समूह उत्तर भारत में एक विशेष सांस्कृतिक धारा के रूप में उभरे हैं। न केवल हमें राजनीतिक रूप में देखा जा रहा है, बल्कि हमारे रंगमंचीय कौशल को रंगमंच की दुनिया के दूसरे लोग भी मान्यता दे रहे हैं। हमें रंगमंच के व्यापक धरातल पर अपनी भूमिका के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। दिल्ली के सामाजिक जीवन में सांप्रदायिकता बहुत गंभीर खतरे के रूप में उभरी है। दिल्ली में अब सक्रिय सांप्रदायिक सेनाएं गठित हो रही हैं। हमें इस बारे में चिंतित होना चाहिए। अपहरण भाईचारे का के हमारे शो समंदर में बूंद के बराबर है। हमें इससे बहुत बहुत ज्यादा काम करना होगा। दिल्ली में बहुत सारे प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष रंगकर्मी हैं। हमें उन तक पहुंचना होगा, उन्हें संगठित करना होगा। इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें खुद को लगातार शिक्षित और प्रशिक्षित करना होगा। हमें सामाजिक इतिहास, संस्कृति, मंच कला, थिएटर का इतिहास, इन सब के बारे में जानना समझना होगा। हमें अपने काम के लिए पैसे जुटाने के तरीके भी सुधारने होंगे। हमें रिहर्सल और ऑफिस के तौर पर एक केंद्रीय ठिकाना चाहिए, या किराए की कोई ऐसी जगह हो जहां हम अपने प्रॉपर्टीज को संभाल कर रख सकें। नई एसी की पहली मीटिंग जीबी के फौरन बाद आयोजित की गई और मुझे मिनट्स लिखने का जिम्मा सौंपा गया। आगामी 15 अक्टूबर को हमारे नुक्कड़ नाटक की 10वीं सालगिरह होने जा रही थी। हम उसके बारे में योजना तैयार कर रहे थे। 2 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ईसी की 6 मीटिंगें हुई। 7वीं मीटिंग 5 जनवरी 1989 को हुई, जब माला को ईसी में को ऑप्ट किया गया और उसे एक्टिंग कन्वीनर के रूप में मनोनीत किया। ये मेरी जिंदगी की सबसे उदास मीटिंग थी। हम में से ज्यादातर सदस्य सिर्फ इस कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे अपने आंसुओं को रोक कर रख सकें, मगर माला फौरन काम में कूद पड़ी। सांगठनिक जीवन के उन छोटे छोटे कामों में लग गई जिनके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कभी कभी हीरोइज्म बिल्कुल छोटे छोटे नगण्य एक्शंस का जमा होता है। खैर, यह अभी आगे की बात थी। फिलहाल मैं सफदर से सांगठनिक कौशल सीखने की उम्मीद कर रहा था, जिस तरह मैंने हबीब साहब और सफदर से थिएटर में बहुत कुछ सीखा था। उस दोपहर को सफदर ने नंदिता, जोगी, ब्रिजेंद्र, राकेश, मुझे और शायद कुछ और साथियों को एक लघु टीवी फिल्म के लिए एक्टर के तौर पर भेजा था। एमएस सत्यो कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में ये फिल्म शूट कर रहे थे। ये जुग्गी बस्ती एलीट वसंत विहार से चिपकी हुई एक पहाड़ी के टीले पर स्थित है। हम लोग वहां शायद कुछ घंटे रहे होंगे। इसके बाद हम पैदल जेएनयू चले गए, जहां हमारी मुलाकात आयशा और शिकमा से हुई। उस दिन गांधी जयंती थी, इसलिए दारू का जुगाड़ होने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर हम एक नई शुरुआत के नशे में मदहोश थे। हम देर रात तक पार्थसारथी रॉक पर हंसते गाते ठहाके लगाते रहे। अक्टूबर 1988, नुक्कड़ नाटक के 10 साल। नई ईसी ने नुक्कड़ नाटक में हमारे 10 साल को मनाने के कार्यक्रम को प्लान करना शुरू किया। हमने एक नुक्कड़ नाटक उत्सव मनाने का फैसला लिया। नुक्कड़ नाटक पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी प्रस्ताव रखा गया। ये दोनों कार्यक्रम 35 फिरोशा रोड में आयोजित किए गए। इसका एक हिस्सा तब जेएनयू सिटी सेंटर हुआ करता था। नुक्कड़ नाटक की परफॉर्मेंस लॉन में हुई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के कॉन्फ्रेंस रूम में।
एक फोटो एग्जीबिशन लगाने का भी फैसला लिया। चर्चा के लिए एक पर्चा लिखने की भी बात हुई। हमने अलग अलग उप समितियां बनाई। शिखा को एग्जीबिशन उप समिति का जिम्मा सौंपा गया। इसमें शहला, माला, राकेश और जोगी भी शामिल थे। मैं सफ्तर, संजय, शिकमा और नंदिता को लेकर बनाई गई सेमिनार उप समिति का संयोजक था। शहला ने उन गांव, कस्बों, शहरों को दिखाते हुए एक नक्शा तैयार किया जहां जहां पर हमने परफॉर्मेंसेस किए थे। एग्जीबिशन में जन्म के नाटकों के तकरीबन 75 फोटो चुने गए। कहने का मतलब ये है कि एग्जीबिशन उप समिति ने बहुत सारा काम किया। मेरी वाली उप समिति की तरफ से सफदर को चर्चा के लिए अप्रोच पेपर लिखने का जिम्मा सौंप दिया गया, बस, और उसने लिख दिया। हमारा काम खत्म। 15 अक्टूबर की शाम कुल 5 परफॉर्मेंसेस हुई। सफदर ने नुक्कड़ नाटक की दुनिया में 10 साल के हमारे सफर का परिचय दिया और रंगकर्मियों को हमारे साथ आकर काम करने का न्योता दिया। सबसे पहले समरथ नाटक पेश किया गया जिसका परिचय माला ने दिया। शिखा ने थिएटर यूनियन को मर्स का मुनाफा परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया। मनीष ने राजा का बाजा का परिचय दिया जिसके बाद चाय और नाश्ता था। इसके बाद ललित ने गिरगिट का परिचय दिया जो JNU में सफदर द्वारा आयोजित वर्कशॉप से निकला था। अंत में मैंने औरत का परिचय दिया। उस शाम के मेरे 3 इंप्रेशन हैं। एक तो यह कि वो शाम बहुत लंबी थी और एक के बाद एक 5 नुक्कड़ नाटक देखना बोझिल हो सकता है, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। दूसरी बात, सबसे लंबा नाटक सबसे पहले कभी नहीं रखना चाहिए, खासतौर से अगर सबसे खराब परफॉर्मेंस उसी की हो। हमने तय किया था कि सबसे पहले हम मशीन पेश करेंगे, मगर सीनियर्स के दबाव में सफदर ने हमें मना लिया कि समरथ पेश हो, क्योंकि शायद उसमें उन्हें अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का ज्यादा मौका मिल सकता था। बाद में EC की समीक्षा में नोट किया गया कि नुक्कड़ नाटक में अभिनय के कुछ बुनियादी नियमों की उपेक्षा, आत्मश्लाघा और कुछ एक्टर्स का अति आत्मविश्वास समरथ के बढ़िया न होने पाने के कारण रहे। सौभाग्यवश इसके बाद थिएटर यूनियन का नाटक था जिसने दर्शकों की दिलचस्पी एक बार फिर बहाल कर दी। तीसरी बात, आखिर में औरत पेश करना बिल्कुल सही फैसला था। ये ताकतवर नाटक है, इसमें नए उत्साही कलाकार थे। इनके साथ माला के शानदार अभिनय ने उस शाम को एक बार फिर जिंदा कर दिया। उस शाम बहुत सारे रंगकर्मी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। 29 अक्टूबर को नुक्कड़ नाटक पर होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले लोगों में मुझे रति बार्थोलोमियो, M.K. रैना, GP देशपांडे, मदन गोपाल सिंह और राम गोपाल बजाज खास तौर से याद हैं। सफदर ने अप्रोच पेपर पेश किया। हमने इस पर्चे की साइक्लोस्टाइल प्रतियां पहले ही बांट दी थीं, इसलिए सफदर ने इसे पढ़कर नहीं सुनाया। उसने पर्चे में दिए गए कुछ बिंदुओं को ज्यादा विस्तार से पेश किया। मैं इस बात को देखकर मंत्रमुग्ध था कि किस आसानी से वो अंग्रेजी से हिंदुस्तानी में चला जाता था। उसकी जबान में उर्दू के ऐसे खूबसूरत शब्द बिखरे होते थे जिनमें से कई से पहली बार मेरा साबका पड़ा था, जैसे मुख्तलिफ और इसरार जैसे शब्द। रति ने हमेशा की तरह खुलकर अपनी राय दी और उनका कहना था कि एक दशक के अनुभवों के बाद अब नुक्कड़ नाटक को एक नई जमीन तलाश करनी चाहिए। रैना का अंदाज झकझोरने वाला था। इन सारे फोटोग्राफ्स को देखो, सारे एक जैसे लगते हैं। तुम्हारे नाटकों में कोई विविधता क्यों नहीं होती? स्पेस के नए तरह के इस्तेमाल के लिए तुमने क्या किया है? जब तक तुम जगह को बांटोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। GPD ने कहा कि हमें अपने सौंदर्य बोध और उससे भी ज्यादा अपनी राजनीति को इप्टा से आगे लेकर जाना चाहिए। वो बोले, बंबई में शिवसेना को देखो, वो अपनी सांप्रदायिक राजनीति ऐसे करते हैं मानो कोई कारखाना चला रहे हों। सब कुछ इतना सुनियोजित है, सब कुछ इनपुट और आउटपुट के स्तर पर तय होता है। सांप्रदायिकता का मार्क्सवादी विश्लेषण कहां है? हम सांप्रदायिकता का ले देकर मानवतावादी, उदारवादी विश्लेषण सुनाते रहते हैं। हमारे नाटकों में बस ये नसीहत दी जाती है, एक दूसरे की जान मत लो, अच्छे बच्चे बनो। मगर यह संदेश दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है। कांग्रेस से लेकर पुरानी जनता पार्टी के सब टुकड़े यही कहते हैं।
इस नसीहत से उन्हें कोई समस्या नहीं है। मार्क्सवादी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जो सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को तो चोट पहुंचाए ही उदारवादियों को भी कुछ बेचैन करे। मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। रति, रैना और जीपीडी की बातों का कुल योग ये था कि हमें अपनी नई दिशा ढूंढनी होगी, नए सिरे से चीजों को सोचना होगा, बने बनाए सांचों को तोड़ना होगा। सफदर इन क्रिटिसिज्म से उत्साहित और रोमांचित था। क्रिएटिव स्तर पर वो एक लंबी छलांग लेने को तैयार था। हमें इसके शुरुआती लक्षण नवंबर में मजदूरों की 7 दिन की हड़ताल के लिए तैयार किए गए अपने नाटक में दिखाई दिए। इस नाटक का नाम था चक्का जाम और इसी नाटक ने आगे चलकर हल्ला बोल की शक्ल अख्तियार की। चक्का जाम हल्ला बोल ने क्या हासिल किया, इसको समझने के लिए हमें 80 के दशक के आखिर में दिल्ली के मजदूर वर्ग के स्वरूप को समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि मजदूर पूरे 7 दिन की हड़ताल पर कैसे चले गए, जबकि आज कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे, मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिजाइन शरणा दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई, सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज़ के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बेफुट, समीरा अयंगर, विनुता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाजें सुधन्वा देशपांडे और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।